बच्चों आज एबीसीडी पैरामीटर्स का अध्ययन करेंगे। टू पॉइंट नेटवर्क दिया गया है, इस नेटवर्क के एबीसीडी पैरामीटर ज्ञात करने हैं। एबीसीडी पैरामीटर्स की इक्वेशन इस तरह लिख सकते हैं, यू वन इक्वल टू ए वी टू माइनस बी आई टू, आई वन इक्वल टू सी वी टू माइनस डी आई टू। एबीसीडी पैरामीटर्स को निम्न प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, आई टू इक्वल टू जीरो कर देंगे तो ए और सी ज्ञात कर सकते हैं। ए इक्वल टू हो जाएगा वी वन अपॉन वी टू, जिसे कि ओपन सर्किट रिवर्स वोल्टेज ट्रांसफर रेशियो कहते हैं, जब आई टू इक्वल टू जीरो। इसी तरह सी ज्ञात करने के लिए आई वन अपॉन वी टू, सी इक्वल टू हो जाएगा आई वन अपॉन वी टू, जिसे कि ओपन सर्किट रिवर्स ट्रांसफर एडमिटेंस कहते हैं, जब आई टू इक्वल टू जीरो। अब पॉइंट टू को शॉर्ट सर्किटेड करेंगे, अर्थात वी टू इक्वल टू जीरो करने पर V इक्वल टू वी वन अपॉन माइनस आई टू, जिसे कि शॉर्ट सर्किट रिवर्स ट्रांसफर इम्पीडेंस कहते हैं, जब वी टू इक्वल टू जीरो। इसी तरह D इक्वल टू आई वन अपॉन माइनस आई टू, शॉर्ट सर्किट रिवर्स करंट ट्रांसफर रेशियो कहेंगे, जब V टू इक्वल टू जीरो। ABCD पैरामीटर्स का उपयोग पावर सिस्टम इंजीनियर्स द्वारा ट्रांसमिशन लाइन्स की परफॉर्मेंस की एनालिसिस करने में किया जा सकता है। ट्रांसमिशन लाइन कैसे भी हो सकते हैं, शॉर्ट मीडियम लॉन्ग। ABCD पैरामीटर्स को समझने के लिए इस सर्किट में दिए गए एग्जांपल को ले सकते हैं। पोर्ट टू को ओपन सर्किटेड करेंगे और वी वन पोर्ट फर्स्ट में अप्लाई किया है, जिसके कारण करंट आई वन फ्लो होती है। ये करंट आई वन केवल आर टू और आर वन में फ्लो होगी, आर थ्री फ्लो नहीं होगी, क्योंकि पोर्ट टू ओपन सर्किटेड है। इसी स्थिति में वी वन इक्वल टू होगा आर टू प्लस आर वन आई वन, या कहेंगे फोर प्लस फोर आई वन इक्वल टू एट आई वन। इसी तरह वी टू इक्वल टू आर वन आई वन इक्वल टू फोर आई वन। ये वैल्यू पुट करके हम ये निकाल सकते हैं, ये इक्वल टू वी वन अपॉन वी टू, वी वन वी टू की वैल्यू पुट करेंगे तो ए की वैल्यू आएगी टू। इसी तरह सी इक्वल टू हो जाएगा आई वन अपॉन वी टू इक्वल टू आई वन अपॉन फोर आई वन, या ये कहेंगे वन बाय फोर मोर। पोल टू को शॉर्ट सर्किटेड करेंगे, जैसा कि सर्किट में दिखाया गया है। इस स्थिति में दो पोर्ट फर्स्ट के दो टर्मिनल के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस याद करके आई वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह वी वन के इक्वल टू होगा। वी वन की वैल्यू हो जाएगी सिक्स आई वन। इसी तरह आई टू याद करेंगे, आई वन के कारण करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी, लेकिन आई टू की डायरेक्शन विपरीत दी गई, इसलिए यह माइनस आई टू ले आया। तो माइनस आई टू इक्वल टू हो जाएगा, करंट डिविजन फॉर्मूले अप्लाई करेंगे, फॉर विपरीत ब्रांच का रेजिस्टेंस है, फिर दोनों ब्रांच के रेजिस्टेंस से डिवाइड करके आई वन से मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस आई टू इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव आई वन। बी इक्वल टू हो जाएगा वी वन ऑब्लिक माइनस आई टू, माइनस आई टू वैल्यू पुट करेंगे तो ट्वेल्व ओम आएगा। इसी तरह डी इक्वल टू आई वन अपॉन माइनस आई टू इक्वल टू आई वन अपॉन जीरो पॉइंट फाइव आई वन, तो टू वैल्यू आएगी। इस तरह ए बी सी डी पैरामीटर्स होंगे, ए इक्वल टू टू, बी इक्वल टू ट्वेल्व ओम, सी इक्वल टू वन बाई फोर मो, डी इक्वल टू टू। इस तरह हम ए बी सी डी पैरामीटर्स ज्ञात कर सकते हैं।